हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे सैमसंग गैलेक्सी A22 में और सैमसंग गैलेक्सी F22 में और देखते हैं कि बेस्ट फ़ोन कौन सा है। तो बात की जाए डिस्प्ले से तो A22 के हैं डिस्प्ले 6.6 इंच की, रेजोल्यूशन 1080x2400 पिक्सल, स्क्रीन TFT IPS LCD डिस्प्ले और F22 की डिस्प्ले 6.4 इंच की, रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल, स्क्रीन सुपर एमोलेड डिस्प्ले और दोनों ही फ़ोनों में आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिलती है और दोनों ही फ़ोनों में आपको 19 हर्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। और बात करते हैं हार्डवेयर की तो A22 का है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 700 का और CPU 2.2 GHz ऑक्टेकोर का और 7 नैनोमीटर्स का फिनफैट और F22 का जो प्रोसेसर है ओमेटी का है G80 का और CPU 2.0 GHz ऑक्टेकोर का और 12 नैनोमीटर्स का फिनफैट और GPU G52 का। और बात करते हैं बैक कैमरे की तो A22 का है ट्रिपल जो मेन कैमरा 48 का, फिर 5 का फिर 2 का और F22 का है क्वाड में जो मेन कैमरा 48 का, फिर 8 का फिर 2 का। बात करते हैं फ्रंट कैमरे की तो A22 का है 8 मिसल का और F22 का है 13 का और दोनों में आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिलती हैं। बात करते हैं बैटरी की तो A22 में है 5000 mAh की और F22 में है 6000 mAh की और दोनों फ़ोन की बैटरी टाइप लोनेबल है, आप दोनों की बैटरी को निकाल नहीं सकते। और बात की जाए चार्जर की दोनों में सेम है 15 वाट का, दोनों में टाइप्स का सपोर्ट है, दोनों में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस लॉक भी मिल जाता है। दोनों ही फ़ोन में आपको 2 सिम और 7 मेमोरी कार्ड का ऑप्शन मिलता है और A22 में आपको कनेक्टिविटी मिलती है 5G की और F22 में है 4G की। दोनों की वारंटी है 1 साल की और A22 में रैम मिलती है आपको 6GB और 8GB की और F22 में है 4GB और 6GB की। A22 की मेमोरी 128GB की और F22 में है 64GB 128GB की। दोनों फ़ोन में आपको एंड्रॉयड 11 मिलता है। बात करते हैं प्राइस की तो A22 का है स्टार्टिंग प्राइस 19,999 रुपये और F22 का है स्टार्टिंग प्राइस 12,499 रुपये। तो फिर आपको दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन पसंद आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।